जनपद बिजनौर के सियोरा थाना के ग्राम बुडरेन की घटना है। युवक की गन्ने के खेत में लाश मिलने से गांव में सनसनी का माहौल है। युवक किसान की लाश को देखकर परिजनों का कहना है कि लड़के का मर्डर किया गया है। लाश के पास बड़े सेविंग ब्लेड, ताबीज व अन्य सामान को देख तांत्रिक कार्य के मकसद से किए गए मर्डर की ग्रामीण आशंका जता रहे हैं। घटना स्थल पर पहुंचे थाना अध्यक्ष धर्मपाल सिंह ने लाश को अपने कब्जे में ले लिया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलने पर कार्यवाही की जाएगी। जानकारी के अनुसार युवक 13 दिन से घर से लापता था। रिहान, कहाँ के रहने वाले हो? क्या मामला, पूरी घटना बताइए जी। ये किसी ने, ये हमारा बच्चा था भतीजा, इसको मारा है किसी ने, ऐसे देख रहा है साथ एकदम। अच्छा, ये आज 13 दिन हो गए थे लापता था, हमारे पुलिस में भी शिकायत हुई, ऐसी बात नहीं, ढूंढ बाल सब रहे थे। पुलिस में कंप्लेंट कर रखी थी आपने? पुलिस भी ढूंढ रही थी जी, ढूंढ रही। तो आज इसके साथ इसकी लाश मिली है? इसकी लाश मिली, यहाँ के गांव के छोलना आए थे यहाँ पे गन्ने खेत में, तो लाश मिली। कौन से गांव में मिली? जी मलकपुर बुडेन। थाना क्या लगता है? तो आप क्या चाह रहे हैं आगे? जा रहे क्या है, बस ये पता चल जाएगा अभी, और क्या, बस जा रहे हैं जांच कराने, पता लगा देना कत्ल किसने किया है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ राशिद है और ये मेरे पड़ोस में ही रहता था जिशान, बहुत अच्छे अखलाक का लड़का था और इतने सादे मिजाज के लोग हैं कि अगर इनको कोई गाली भी दे तो बेचारे चुपचाप चले जाते हैं। क्या हुआ इसके साथ? ये लगभग 12-13 रोज पहले से गायब था और अब अचानक से यहाँ जमींदार साहब का खेत आसिफ अधिकार साहब का, कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ पे उसकी लाश पड़ी हुई है, गर्दन कटी हुई, तो अब देख के पता चल रहा है काफी दिन पहले उसका मर्डर हुआ है क्योंकि इतना हिस्सा लगभग गायब है उसका। कहाँ का रहने वाला था ये? ये बुडेरन का ही है। थाना कौन सा लगता? थाना सिहारा ही लगता है। अच्छा, तो आप अब क्या चाह रहा है, आप परिजन क्या चाह रहा है? देखो, परिजनों की भी और हमारी गांव वालों की सबकी यही डिमांड है कि केस खुलना चाहिए, क्योंकि अगर केस अगर हम यहीं पर बंद कर देते तो ऐसे तो कातिलों के हौसले बढ़ेंगे, आगे को कोई भी मर्डर हो जाएगा। क्या सोचेगा, गांव वाले कॉम्प्रोमाइज कर लेते आपस में, आगे इंक्वायरी बढ़ने नहीं देते। तो सारे गांव वालों की यही डिमांड है कि केस खुलना चाहिए और जल्दी से जल्दी खुलना चाहिए। अच्छा, पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है? पुलिस तो घटनास्थल पर पहुंच गई है, एसओ साहब भी हैं और दरोगा साहब भी आ गए, टाइम से आ गए लगभग वो भी।